He spoke about the apprehensions of the minority. That is his right. Yes, Rahul ji. धन्यवाद सभापति महोदय. बजट इंटरिम बजट 2024-25 के ऊपर आज मुझे बोलने का अवसर मिला है. मैं समय का अभाव में मैं अपनी बात को इतने ज़्यादा कुछ न कहते उतनी कहना चाहूँगा. विकसित भारत का संकल्प लेके देश के प्रधानमंत्री महोदय चले हैं और हमारी वित्त मंत्री महोदय द्वारा एक विजनरी बजट रखा गया है जो मैं समझता हूँ सोसाइटी के चार सेक्शंस के ऊपर जो जिसको पीएम साहब ने भी बार बार दोहराया है. एक विकसित भारत जिन चार पिलर्स पर खड़ा होगा वो गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता हमारे किसानों के ऊपर निर्भर को फोकस करते हुए हम आगे आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर चले हैं उसको पूरा कर पाएंगे. मैं गरीब कल्याण के बारे में बात करते हुए शुरुआत करनी चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ में जो विचार के साथ चली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीब लोगों को हमने गरीबी से निकालने का काम किया. कांग्रेस की सरकार सालों साल तक गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ के नारे पर चलती रही पर आज तक गरीबी हटी नहीं. उनके हटने का समय आ गया है. सीमा बहुत छोटी हो चुकी है इनकी और आने वाले 2024 चुनाव में ये जो जितने अभी हमारे सदस्य दिख रहे हैं बैठे हुए मुझे ख्याल से वही नंबर इनका आ पाएगा. पीएम जनधन खाता जीएन धन का जो अकाउंट खोलने की बात करी गई और देश के प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन था जैम का जनधन आधार और मोबाइल इसके थ्रू हमने बीते हुए सालों के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मार्फत से किसानों तक और एक आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया. इसके अंदर सरकार ने 2.78 लाख करोड़ की बचत करी जो अपने आप में बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस बचत से बहुत से हम स्कीमों को गवर्नमेंट तक ले जा पाए. आज मैंने कांग्रेस के हमारे कई साथियों की बातें सुन रहा था. मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय का जो स्कीम है इन 10 सालों में लॉन्च करी गई वो हर स्कीम एक क्लोज एंडेड स्कीम थी ताकि उस स्कीम का हमें उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको स्कीम को पूरा कर सकें और किसानों तक गरीबों तक उसका फ़ायदा पहुंचा सकें. पर इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर हर उस स्कीम को तोड़ने का काम किया जो गरीबी की को गरीबों को गरीबी की रेखा से हटाकर आगे बढ़ाने का काम करती. हमारा जैम जल जीवन मिशन की जो योजना निकली जल जीवन मिशन की योजना 2024 तक हमें 90% घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम था. पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चला पर राजस्थान की वो सरकार रही कांग्रेस की जिसने पीछे बीते हुए इन 4.5 सालों के अंदर मात्र 32% का काम किया. मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3,08,000 घरों में पीने का पानी पहुँचाने का काम था. सभापति महोदय इन बीते हुए 4 साल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारी तारानगर लगती है जहां तारानगर चूरू और सदाशर के कुछ गांवों में पीने का पानी मिलना था. 850 करोड़ रुपये की योजना आज तक चालू नहीं करी गई. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि 2022 तक आखिरी व्यक्ति तो जो ढाणी में बैठा हुआ है उसको हम रोशनी देने का काम करेंगे. इसी सरकार ने बीते हुए इन 5 साल के अंदर राजस्थान एक ऐसा मात्र प्रदेश रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास ढाणियों में बैठे व्यक्ति को रोशनी देने का कोई प्रोग्राम नहीं उसके पास में. दीनदयाल उपाध्याय के अंदर पहले चरण में जब 2014-19 के अंदर हमने करीब 18,000 ढाणियों में लाइट देने का काम किया. आज मेरी ही लोकसभा के अंदर 52,000 ऐसे घर हैं जिनको रोशनी की जरूरत है. पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है सरकार जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें इसका फायदा मिलेगा. एक बहुत शानदार स्कीम है. मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि गरीबी कैसे खत्म हो गरीब कैसे आगे बढ़े योजनाओं के मार्फत से बढ़ते पर इस सरकार कांग्रेस की किस तरह एक एक योजनाओं तोड़ने का काम किया है. आरडीएसएस स्कीम में निकली 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम था पूरे हिंदुस्तान में. रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम थी जो हमारे ट्रांसमिट सर प्लीज एक फर्स्ट पेज है सर प्लीज सर डोंट सी दैट सर. मेरा ये कहना है कि आरडीएसएस स्कीम निकली उस स्कीम को भी तोड़ने का काम किया गया. आज किसानों की बात करूंगा हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं कैलाश जी ऐतिहासिक स्कीमें निकाली गई हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में सबने बात करी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेरी ही लोकसभा क्षेत्र की बेहतरीन योजना के हमने काम किया है. इसके अंदर बीते हुए इन 6 सालों के अंदर सर बताते खुशी होती है कि 7200 करोड़ रुपये का क्लेम डिसबर्समेंट हुआ है चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो अपने आप में हिस्टोरिकल है. और ऐसे ही नहीं इस कांग्रेस की सरकार ने 2021 के फैसले को जो भारत सरकार ने कांग्रेस सरकार को कहा कि स्टैक की कमेटी दोबारा बुलाई जाए आज तक कमेटी बुलाई नहीं की. चुनाव के समय पर कमेटी बुला ली गई जिसका कोई रिजल्ट निकला नहीं और किसान के को 750 करोड़ का क्लेम मिलना था जहाँ 250 करोड़ में सिलेट कर रह गया. मैं आपको एक सजेशन और भी देना चाहता हूँ. मंत्री जी बैठे हुए हैं 2023 के अंदर जो भी पॉलिसियाँ बनी है सर सर प्लीज सर एक मिनट सर
Sir, please, I haven't even touched the subject, sir. This please. Is the time sufficient to conclude. No, I was being given 10 minutes of time. No. 5 minutes. This is sir, the direction. But I haven't spoken for 2 minutes also. No. Sir, you have already. You have already completed 5 minutes. Sir, मैं मंत्री जी बैठे में 2023 की पॉलिसी जो रिजेक्ट हो रही है इंश्योरेंस कंपनीज कर रही है उस मुद्दे को आप एक बार जरूर देखेंगे. मैं सरकार के बहुत सी चीजों पर फोकस मेरा था पर लास्ट लाइन सर प्लीज एक दिस इज नॉट फेयर सर. जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपने देश भर में 11 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है रेलवे सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे काम हुए हैं. मैं सरकार के मंत्री महोदय का धन्यवाद देता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में अधिकतर काम इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं. पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो हमारी सरदार शहर से हनुमानगढ़ और राजगढ़ तारनगर सरदार शहर के को एक नई लाइन जोड़ने काम किया जाए. सीकर नौखा का बहुत दिनों से डिमांड सर प्लीज 2-1 मिनट मोर नो प्लीज सर 1 मिनट इसको काम को जोड़ा जाए. बहुत से लोगों की इसकी डिमांड रही है. तब मैं आपका इन शब्दों में धन्यवाद दूं पर आई सपोर्ट दिस इंटरिम बजट प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर. आई वाज सपोज्ड टू स्पीक टू मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सी देयर आर सो मेनी मेंबर्स रिमेनिंग. वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द चेयर आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स. वंस अगेन देयर आर सो मेनी मेंबर्स हु हैव नॉट इवन मेड देयर मेडन स्पीच इन दिस बिल्डिंग. दिस इज द लास्ट सेशन. सो लेट ऑल द मेंबर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव ए स्पीच इन दिस हाउस. So better, otherwise most of the members will be getting denying the chance to speak. Kindly cooperate with the chair. Time is very short. Asneen Masoodi ji, Jammu Kashmir budget is also